आपने कभी नोटिस किया कि आजकल लोग अंग्रेजी क्यों बोलना चाहते हैं? क्योंकि आजकल हर बात के लिए जरूरी है इंग्लिश बोलना। अगर आप कहीं जॉब ढूंढना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश बोलना आना चाहिए। अगर आप कहीं इंटरव्यू में जाते हैं तो आपको इंग्लिश बोलना आना चाहिए। इवन अगर आपका लाइफ पार्टनर भी पढ़ा लिखा है तो आप भी चाहेंगे कि आपको भी अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए। अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो ठीक है, मुश्किल से इंग्लिश स्पीकिंग में 10 से लेकर 15 प्रकार के सेंटेंसेस हैं जो बोलने सीखने पड़ते हैं। तो आप मेरे साथ रोज चलिए और कुछ ना कुछ बोलते हैं, बस सुनिए, समझिए और बोलिए, लिखिए मत, लोगों को सुनिए। अगर सुन सकते हैं इंग्लिश में कि वो क्या बोल रहे हैं तो ठीक है, आप थोड़ा सा मुझे सुने और थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करें। सबसे आसान होता है ऐसे सेंटेंसेस बोलना जिसमें आईएनजी लगा है, जैसे गोइंग, स्लीपिंग, वॉकिंग, टॉकिंग, सेइंग, प्लेइंग, मोपिंग, वॉटरिंग और गेटिंग टेंस्ड। कितने सारे वर्ब जिसमें आईएनजी लगाते हैं। तो आसान तरीका क्या है, एक ही चीज को ध्यान में रखिए। अगर कोई व्यक्ति किसी काम को करने में बिजी है, आप ये देखो किस काम को करने में बिजी है। जैसे मान ले आपसे मैंने पूछा आपके पापा कहाँ हैं, वेयर इज योर फादर, आपने बोला था किचन में, ही इज इन किचन। मैं आपसे कह रहा हूँ कर क्या रहे हैं, वॉट इज ही डूइंग इन द किचन, आपने कहा वो तो बिजी है, ही इज बिजी इन द किचन। मैंने आपसे पूछा कर क्या रहे हैं, आपने बोला सर वो ना ऑमलेट बना रहे हैं, यानी कि आपके पापा ऑमलेट बनाने में बिजी हैं। तो आप सिंपल से बोलेंगे फादर इज प्रिपेयरिंग ऑमलेट। ठीक है, ऐसे यूज कीजिए। अगर आप किसी को देख रहे हैं, लुकिंग एट, आई एम लुकिंग एट द स्काई, आई एम लुकिंग एट द बर्ड्स, आई एम लुकिंग एट द बॉयज, आई एम लुकिंग एट द चिल्ड्रन। आप कहीं जा रहे हैं या कहीं से आ रहे हैं तो प्रैक्टिस कीजिए, जा रहे हैं तो गोइंग टू, आ रहे हैं तो कमिंग फ्रॉम। मैं बाजार जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार से आ रहा हूं, आई एम कमिंग फ्रॉम मार्केट। आप किसी की बात सुन रहे हैं, किसी बात सुन रहे हैं, लिसन टू लगाइए, आई एम लिसनिंग टू फादर, मैं मम्मी की बातें सुन रहा हूँ, आई एम लिसनिंग टू मदर। ऐसी बातचीत कर रहे हैं, टॉकिंग टू, मैं पापा से बातचीत कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग टू फादर, मैं मम्मी से बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग टू माई मदर, मैं तो अपनी वाइफ से बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग टू माई वाइफ। हो गया ना आसान, वरना आईएनजी लगाइए, बिंदास आईएनजी लगाइए। ठीक है ना, जैसे आप बर्तन धो रहे हैं, आई एम वॉशिंग द पॉट्स, कपड़े धो रहे हैं, आई एम वॉशिंग द क्लोथ्स, पोछा लगा रहे हैं, आई एम मोपिंग द फ्लोर। कितना आसान है, ऐसे सेंटेंस जो नॉर्मल यूज करते हैं, कॉमनली स्पोकन सेंटेंसेस हैं ये, आप आराम से बोल सकते हैं। पर क्या देखना है, अगर कोई व्यक्ति किसी काम में बिजी है, एक है तो कैसे बोलना है, एक से ज्यादा है तो कैसे बोलना है। अगर एक है उसका नाम हो सकता है रवि इज, एक से ज्यादा है तो दो, बोथ आर, अगर बहुत सारे हैं तो ऑल आर, अगर एक ग्रुप को देख रहे हैं तो जैसे गर्ल्स को देख रहे हैं गर्ल्स आर, लड़कों को देख रहे हैं बॉयज आर, लोगों को देख रहे हैं पीपल आर। ठीक है, यूज करते हैं सेंटेंस में, ऑल आर सिटिंग, सभी तो बैठे हुए हैं, लोग डांस कर रहे हैं पीपल आर डांसिंग, बच्चे खाना खा रहे हैं चिल्ड्रन आर टेकिंग मील, और बच्चे जो हैं खेल रहे हैं चिल्ड्रन आर प्लेइंग। गर्ल्स आर डांसिंग इन महिला संगीत, गर्ल्स आर टॉकिंग टूगेदर। आपको अच्छा लग रहा है बोल दीजिए आई एम फीलिंग गुड, बुरा लग रहा है बोल दीजिए आई एम फीलिंग बैड, आपको बेचैनी से लग रही है ना तो बोल दीजिए आई एम फीलिंग अनईजी, आप सोच रहे हैं किसी बारे में तो बोल दीजिए आई एम थिंकिंग अबाउट, मैं परिवार के बारे में सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग अबाउट माई फैमिली। थिंकिंग यूज नहीं करना है, इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करनी है, पॉन्डर यूज कीजिए, आई एम पॉन्डरिंग अबाउट माई फैमिली। अरे कुछ लिख रहे हैं बोल दीजिए ना, आई एम राइटिंग, क्या लिख रहे हैं, क्वेश्चन आंसर लिख रहे हैं, आई एम राइटिंग क्वेश्चन आंसर, एप्लीकेशन लिख रहे हैं, आई एम राइटिंग एप्लीकेशन, ऐसे लिख रहे हैं, आई एम राइटिंग ऐसे। अरे कुछ पढ़ रहे तो बोल दो ना, आई एम रीडिंग बुक, कुछ छिपा रहे हैं, हाइडिंग बोल दीजिए ना, तुम तो मेरी बात छिपा रहे हो, यू आर हाइडिंग मी, तुम तो मेरी बात को बता रहे हो ना, यू आर डिस्क्लोजिंग मी। हाइडिंग और डिस्क्लोजिंग यूज कीजिए, बताने के लिए या फिर छिपाने के लिए।